इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी का खाता सीज किए जाने के बाद अखिलेश यादव की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंदे की वसूली कर ली है और इसीलिए विपक्षी पार्टियों के खाताओं को अब सीज किया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी दलों को चंदा मिला है जबकि भाजपा ने चंदा वसूला है, लिहाजा अब वो विपक्षी दलों के खाते सीज कर रही है। ये जो अकाउंट सीज हो रहे हैं वो इसलिए सीज हो रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी है। चंदा भी एक अच्छा शब्द है लेकिन वो तो वसूली है, वसूली में सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी ने जो वसूली की है चंदा के नाम पर वो सबने जान ली और सबने वो आखिरी ली। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक कंपनी 1,000 करोड़ रुपए ले, कोई कंपनी 500 करोड़ रुपए, कोई कंपनी 400 करोड़ रुपए ले, और जिस तरह की चोरी उसके पीछे आ रही है, ईडी सीए इनकम टैक्स पहुंची और कितने दिनों बाद भुगतान होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में आज बीजेपी समेत कई अन्य दलों के लोगों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अमरीश कठियार, अपना दल सोनेलाल, वीरेंद्र कठियार, नीलेश कनौजिया समेत कई लोगों ने अपना दल सोनेलाल छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर सुनील दिवाकर, पूर्व AIMIM प्रत्याशी, अपने सभी साथियों के साथ सपा ज्वाइन कर ली। साथ ही साथ लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने भी सपा को अपना समर्थन दे दिया है। सुनील चौधरी ने कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की का आखिरी चुनाव है, देश बचाने की लड़ाई में लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ है, RLD डुप्लीकेट पार्टी है। बात चल रही है तो बात तो होती है, बात राजनीति में आते हैं, लेकिन ये फैसला अखिलेश जी का रोल इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा है, 63 सीटें हैं, उनको फैसला करना है और कांग्रेस भी है साथ में, तो आज हम पूरी तरह से आज देश बचाने को, लोकतंत्र बचाने को, संवैधानिक संस्था और सबसे बड़ा मीडिया भी बचाने को, आज यूट्यूबर्स पर जिस तरह लगाम लगाने को ब्रॉडकास्टिंग बिल लाया गया है, किसानों पर जिस तरह अत्याचार हो रहा है, तो आज देश बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक संस्थाएं बचाने की लड़ाई है, ऐसी लड़ाई में लोकदल पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के और समाजवादी पार्टी के साथ है, कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और लोग कुछ भी नारा दें 370 और 400 की बात, इस बार उत्तर प्रदेश में कम से कम 60 सीटें इंडिया गठबंधन जीत के उत्तर प्रदेश में जाएगा और ऐसे ही हम इंतजाम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 सीटों की पार्टी होती थी धीरे धीरे वहीं पहुंचेगी देश में। उधर इस मौके पर मीडिया वालों से बातचीत करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोगों ने चंदा वसूल कर लिया है इसलिए विपक्षी पार्टियों के अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे दलों को चंदा मिला है जबकि भाजपा ने वसूला है, भाजपा ने तो वैक्सीन बनाने वालों से भी चंदा वसूला है। अखिलेश यादव बृहस्पतिवार को लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर मीडिया को संबोधित कर रहे थे। कि वैक्सीन वालों से भी ये चंदा ले लेंगे, वैक्सीन वालों से भी वसूल लेंगे पैसा। एक लॉटरी है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, अब तो नहीं बोलनी भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन लगवाओ, इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उन्हें पता है कि देश की जनता जान गई है कि वैक्सीन वालों से भी इन्होंने पैसा वसूल किया। जहां पर बड़ी संख्या में अपना दल AIMIM और भाजपा के नेता और समर्थक सपा में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने नेताओं और समर्थकों से कहा कि सावधान रहिए, मतदान तो करिए ही बूथ की भी रक्षा करिए, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो संविधान और किसान बचेंगे, युवाओं को नौकरी मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा बयान अखिलेश यादव ने अपनी सहयोगी पार्टी अपना दल कमेरावादी पर दिया। अपना दल कमेरावादी द्वारा बुधवार को कौशाम्बी, फूलपुर और मिर्जापुर सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा पर अखिलेश यादव ने मीडिया बंधुओं से कहा कि सपा और अपना दल कमेरावादी का गठबंधन सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव तक था, उसके बाद 2024 के लिए हमारा कोई गठबंधन अभी चल नहीं रहा है। गौरतलब है कि अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल के मिर्जापुर सीट पर दावे से इतर समाजवादी पार्टी ने भी मिर्जापुर सीट से अपना प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को उतार दिया है। UP News 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।